अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी सी हरी चटनी कच्चे आम से, और बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही खट्टी और चटपटी सी चटनी बनती है, जिससे आपके खानों का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए चलते हैं हम अपने किचन की तरफ और आपके साथ मिलकर बनाते हैं, जो बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स में तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। अगर आपको भूख लगी है तो आप एक रोटी के बजाय इसके साथ 2 से 3 रोटियां भी खा सकते हैं। और ये इतनी हेल्दी चटनी है कि जितनी भी आप इसे अपने खाने के साथ यूज़ करेंगे तो इससे आपका खाना जो है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो चले मिलकर बनाते हैं आज की मज़ेदार सी कच्चे आम की हरी और खट्टी चटनी। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की मज़ेदार सी चटपटी सी खट्टी सी चटनी। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कैरियाँ यानी कच्चे आम, और हाफ बंच मैंने पुदीने का लिए है और हाफ बंच ही मैंने धनिए का लिए है। तो इसको हमने ग्रीन बनाना है तो इसलिए हम इसमें ऐसी और कोई चीज़ टमाटर वगैरह जो है वो इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार और खट्टी सी चटनी बनती है। कच्ची कैरियों का सीज़न आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा इस सीज़न में आती हैं कच्ची कैरियाँ, तो इससे आप डिफरेंट स्टाइल की चटनियाँ जो हैं वो बना सकते हैं और लंच को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि लंच में इस तरह की हरी चटनी चावलों के साथ और किसी भी शोरबे वाले सालन के साथ, किसी भी सालन के साथ आप इसे खा सकते हैं और अपने लंच को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ जो चीज़ें जो दूसरे इसके साथ जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि और मैं इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये चटनी बनती है हरी चटनी, और बहुत मज़ेदार खट्टी सी चटनी बनती है। तो इसमें गार्लिक जाएगा, 5 से 6 जवे हैं, और हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, और 5 से 6 जो हैं हरी मिर्ची हैं। मैं इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि इससे चटनी का कलर जो है टमाटर से वो इतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि हम इसे ग्रीन चटनी बना रहे हैं जो कि बहुत यमी और बहुत मज़ेदार सी बनती है। तो इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। आप इसे कुंडी डंडे में भी बना सकते हैं और ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन जब आपने इसे ग्राइंडर के जग में ऐड करना है तो इसमें पानी बहुत कम डालना है, ताकि वो एक अच्छा सा पेस्ट बने। बिल्कुल पतली पानी आपने नहीं बनानी, यानी बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसका फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। बहुत कम पानी डालें, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, ताकि जग में जो है वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से ग्राइंड हो सकें। तो चलें इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। धनिया पुदीना और कैरी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और इसमें मिट्टी वगैरह काफ़ी होती है धनिए में और पुदीने में, तो आपने इनको जल्दी से ग्राइंड कर लेना है, इनको रखना नहीं है। अगर रखना भी है तो इनको ड्राई करके रखें, क्योंकि फ़ौरन से ये इनका रंग जो है वो चेंज हो जाता है। पुदीने का तो ख़ास तौर पर जल्दी रंग चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो चलें इसको बनाना अब स्टार्ट करते हैं। हर चीज़ को पहले धो लिया करें अच्छी तरह से, हाथ भी अच्छी तरह से धो लिया करें, ताकि आप अच्छी सी चीज़ बना सकें हेल्दी सी, ताकि कोई भी जम्स जो है वो आपके हाथ से आपकी कुकिंग में ना जाए, कोई भी चीज़ आप जो बना रहे हैं उसके अंदर ना जाए। हमेशा हाथ धो के जो है वो आप कुकिंग किया करें, और बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, अल्लाह ताला इससे खाने में बहुत ज़्यादा बरकत देता है। कैरी का छिलका जो है वो हम उतार लेंगे, क्योंकि कैरी का छिलका बहुत हार्ड होता है और इससे चटनी का फ्लेवर भी जो है वो कड़वा बन जाता है। कुछ लोग छिलके के साथ भी चटनी बनाते हैं, लेकिन उसे चटनी का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता। तो हमेशा कैरी का छिलका जो है वो चटनी बनाने के लिए इसे पहले उतार लिया करें। कैरी को हमने इस तरह क्यूब में काट लिया है, और इसके अंदर जो ये गुठली होती है इसको निकालना ज़रूरी होता है। तो अब हम इसको ग्राइंडर के जग में ऐड करेंगे। आप चाहें तो कुंडी डंडे पे भी, सिलबट्टा पे भी आप इसे बना सकते हैं।
लेकिन अगर ग्राइंडर में आपने बनानी है तो पानी का इस्तेमाल बहुत कम कीजिएगा। अब सारी चीज़ें जो है वो मैं ग्राइंडर में ऐड करूँगी, तो हम ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। जो ग्राइंडर का जग होता है, धनिया और पुदीना इसमें ऐड किया है मैंने। अब इसके साथ हम ये जो कैरी हमने काटी थी ये ऐड कर देंगे। दोपहर के खाने के साथ लंच में चटनी ज़रूर बनाया करें। लंच में चटनी ज़रूर बनाया करें, धनिया पुदीने की चटनी। एक तो उसे खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और खाने के फ्लेवर को वो बहुत ही दुबाला कर देती है। यानी ये इसमें 5 से 6 मिर्चें जो हैं इसकी डंडियां उतार ली हैं और वो भी इसके साथ ऐड कर दूंगी, और 5 से 6 जवे लहसुन के, और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा इसमें डाल दूँगी। नमक हमेशा मैं कम खाती हूँ और हमारे घर में भी कम खाया जाता है, तो इसलिए मैं कम ही ऐड करती हूँ। तो अगर मुझे कम लगेगा तो मैं बाद में ऐड कर लूँगी चखने के बाद। अब इसमें जो मेन चीज़ है पानी है, आपने इसमें पानी बहुत कम डालना है। अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो आपकी चटनी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, वो बिल्कुल पतली शोरबा सी बन जाएगी। तो पानी का इस्तेमाल आपने बहुत सोच समझ के करना है। बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, तकरीबन 1/2 कप से भी कम। तो अगर जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि इसमें चटनी अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हो रही, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया, मज़ेदार सी हमारी चटनी जो है वो रेडी हो गई। ये देखें, इतनी ज़्यादा पतली नहीं बनानी, बिल्कुल सेम आपने इसी तरह बनानी है। और चम्मच की मदद से आपने सारा जो है वो ग्राइंडर से ये सारी चटनी जो है वो निकाल लेनी है। मज़ेदार सी कच्चे आम की फ्लेवरफुल सी चटनी, खट्टी और चटपटी सी चटनी रेडी हो गई है। आप इसे लंच में ज़रूर बनाइएगा और अपने खानों को इंजॉय किएगा, अपने लंच को, अपने डिनर को। आप ब्रेकफास्ट में भी इस चटनी के साथ पराठा जो है वो खा सकते हैं। अब ये देखें, माशाल्लाह से इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और इसको मैंने बहुत कम पानी डाल के जो है वो ग्राइंड किया है, और कितना अच्छा इसका पेस्ट बना है और बहुत मज़ेदार और बहुत यमी चटनी बनी। और ऐसी ही चटनी आप कुंडी डंडे में भी बना सकते हैं, आप उस पर सिलबट्टा पे भी बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी कच्चे आम की चटपटी और खट्टी चटनी, हरी चटनी। तो आप इसे अपने लंच और अपने डिनर में ज़रूर बनाइएगा। आप इसे ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ भी खाएं तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल लगती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।